हेलो दोस्तों, कैसे हो? सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे ट्रॉफी और बैट्समैन का कंप्लीट हो चुका है ड्राइंग, और सेकंड पार्ट में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि सेकंड बैट्समैन और फिर बाकी बैकग्राउंड। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक जो रूल्स यूज़ किए थे, लाइट टू डार्क थ्री हमारे टोन, तो उसी फॉर्मेट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पर यूज होने वाला है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का पैच दिया। उसके बाद हम जर्सी स्टार्ट करेंगे, तो जर्सी भी आप देख रहे हैं कि लाइट ब्लू, लाइट शेड, मिडल शेड और फिर बाद में डार्क शेड को से यूज़ करेंगे। वाटर कलर एक वेरी फास्ट मीडियम, इट इज़ अ वेरी फास्ट मीडियम एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव। अगर आपका कुछ क्रिएटिव आपको बनाना हो तो आप सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं, और आपका भी कॉन्सेप्ट रहता है, आप जल्दी से जल्दी आप बाकी स्टूडेंट को आप समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी मीडियम देखेंगे, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर और पोस्टर कलर या चारकोल और इन अदर मीडियम मिक्स मीडिया, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाँ, रिजल्ट दोनों का अलग हो जाता है, लेकिन आपको इतना टाइम देना पड़ता है कि काम इतना डिटेलिंग के अंदर हम करके फिर बाकी स्टूडेंट को कैसे बताएंगे। इसीलिए वाटर कलर और ऑयल कलर बहुत ही ओल्ड टाइम से हम देखते आए कि इसी में ही हमारा आर्ट या पेंटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए वेरी गुड मीडियम। तो आप पूरे दी का कलर हमने लाइट शेड दिया, उसके बाद आप उसमें से मिडल शेड दिया, और मिडल के बाद फिर हमने डिटेलिंग पोर्शन रहता है वो कंप्लीट किया। लेकिन मेरा ये सजेशन एक है कि रेफरेंस लेके भी काम कर सकते हैं और आउटडोर जाके भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको टाइम मिल जाता है आप वो वैसे कर सकते हैं। बाहर या लाइव प्लेन एयर, लाइव पेंटिंग या आउटडोर या स्केचिंग या ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसी में आपको ज़्यादा सीखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इंडोर के अंदर हमें हमें एक विंडो ऑलरेडी मिल जाता है, जैसे हम रेफरेंस के लिए हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं या फिर मोबाइल के अंदर से हम ड्राइंग देख के फिर बनाते, तो उसी में हमारे ऑलरेडी विंडो मिल जाता है कि कितने बॉर्डर तक यहाँ तक हमें ड्राइंग निकालनी है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, प्लेन एयर स्पॉट पर जाएंगे, तभी ऑलरेडी ओपन विंडो हो जाता है, और ओपन विंडो में आपको हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा पार्ट हमें चाहिए और कौन सा नहीं। आपको मिनिमलिस्टिक ड्राइंग निकाल ना पड़ता है, तभी उसी में ज़्यादा हम सीख जाते हैं विच पार्ट आई लाइक दिस एंड नॉट करेक्ट फॉर द माई ड्राइंग। सो अगले कुछ वीडियोज भी हो जाएंगे बाहर के आउटडोर जाके, तो इंडोर से किस टाइप का हम कर रहे हैं और फिर आउटडोर जाके किस टाइप का करेंगे। तो आप प्लीज़ जुड़े रहे चैनल पर, और अगले कुछ नया आर्ट वर्क आ जाएगा आप प्लीज़ देखो। फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फर्स्ट ब्लू का वॉश दिया, उसके बाद हमने सेकंड के अंदर ड्रेपरी का थोड़ा बहुत शेप दिया है, जहाँ पर ड्रेपरी फोल्ड हो रहा है आ रहा है वहीं से हमने सिंपल पेपर का वाइप छोड़ दिया है। और ये ड्राइंग करते समय अभी का जो करंट माहौल चल रहा है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया 2023, तो इसीलिए मैंने वीडियो का पार्ट लिया है कि एक उसी के ऊपर हमने कुछ कर सकते हैं। तभी मुझे आइडिया आ गई कि एक कर सकते हैं ड्राइंग, तो उस समय से कुछ या नॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड बैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और 12 नंबर जर्सी का आपको तो पता ही होगा कि विच बैट्समैन इज वेयरिंग एंड 12 नंबर जर्सी, हिज नेम इज युवराज सिंह, एंड सेवन नंबर जर्सी आपको तो पता ही रहेगा कौन है बैट्समैन। तो ये सीन का ये भी कॉन्सेप्ट था कि उसी टाइम कहाँ पर थे हमने, वहाँ पर कॉलेज खत्म होने के बाद जो भी मैच शायद स्टार्ट हुआ था, सिक्स बजे स्टार्ट हुआ था शायद, तो हमने 11-12 बजे तक वो मैच देखा। तो इसीलिए वो लास्ट बॉल तो धोनी ने जो एक लास्ट बॉल सिक्स मार दिया था, और मैच मैच ने पूरा ट्रॉफी हमने जीत ली थी। इसी के ऊपर हमने ये सीन निकाल दिया यहाँ पर, शायद आपको पसंद आ जाएगी। बैकग्राउंड अभी देखो, आपने बैकग्राउंड स्टार्ट किया है मैंने कि स्टार्टिंग बस वाटर कलर का छोड़ दिया, उसके ऊपर बस ऑरेंज छोड़ दिया, और उसी के अंदर अलग अलग शेड्स मैंने लिया है, ऑरेंज येलो अकर और ब्रंट सेनस सब बात में।
अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं, तो उससे में आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर पहले ड्राइंग के अंदर वो जाना नहीं चाहिए या फिर खराब नहीं होना चाहिए। सेकंड इंडियन फ्लैग का जो ग्रीन कलर है उसे मैंने यूज़ किया है, ग्रीन का भी शेड अलग अलग यूज़ किया है। और हमेशा याद रखना कि आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे ऑब्जेक्ट का या फिर प्लेन एयर का, बाहर आप जाएंगे तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट आ जाते तो वो सेम कलर नहीं हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि ग्रीन का आप शेड देख रहे पूरा ग्रीन शेड नहीं, येलो ऑफर है कि ग्रीन कलर भी, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, सेपिया, ग्रीन सेपिया भी यूज़ किया है। उसी टाइप में हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, और जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल आपका बढ़ जाएगा तभी आपको ड्राइंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर पूरा बैकग्राउंड के अंदर हमने डिटेलिंग निकाल दिया और आगे हमें जो बाकी जो तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे डिटेलिंग हो जाए, फ्रंट एंड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, क्लटर हो जाएगा पूरा कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें हाईलाइट करनी है। इसलिए जब भी आप ड्राइंग करेंगे या फिर जब भी आप करेंगे वन ऑब्जेक्ट को, तो आपको सेकंड या बैकग्राउंड कम डिटेलिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो भी आपको वो मेन पार्ट हमारा फोकस होगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट ऐसे ही कुछ नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।